हेलो एवरीवन, अगर आप शहर में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना किस तरीके से मिल रही है, कितने रुपए मिलेंगे, जमा करने हैं या नहीं, किन लोगों को लाभ मिल रहा है, लिस्ट कैसे देख सकते हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप शुरू से लेकर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ मैं बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जानने से पहले आपको काम करना है, आपको ये वीडियो लाइक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके बाद एक लास्ट काम और है, ये आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस वीडियो को आपको व्हाट्सएप द्वारा और लोगों तक शेयर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो शहर में रहते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म फिल किया है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिन लोगों के पास जमीन है, जिन्होंने पैसे के लिए फॉर्म भरा था, तो उनको जो है 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें आपको 2.5 लाख रुपए में एक भी रुपया जमा नहीं करना है। और इसके बाद जिन लोगों ने मकान के लिए आवेदन किया था कि हमको मकान चाहिए, उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि आपको जो मकान बनेगा, वो जो मकान है वो उसकी कीमत 4.5 लाख रुपए है। और ये मैं आपको अलीगढ़ का बता रहा हूँ, तो ज्यादातर सब जगह ऐसे ही होगा। उस मकान की कीमत 4.5 लाख रुपए है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए माफ कर दिया जाएगा, बचेगा 2 लाख। जो 2 लाख जो है उसकी आपको किस्त देनी है हर महीने। अब वो आपको मिलेगा कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर आपने आवेदन किया है तो आपको सबसे पहले आपके टूडा ऑफिस में आपको जाना होगा। वहां पे आपको बताएंगे कि एक फॉर्म देंगे जिसकी कीमत 100 रुपए है, वो फिल करने के बाद आपको 5,000 रुपए का आपको DD भी जमा करना है। फिर उसके बाद सब लोगों का, जितने लोग उस फॉर्म को भरते हैं, सबकी पर्चियां जो है एक बॉक्स में डाली जाएंगी और उस बॉक्स में से पर्चियां निकाली जाएंगी, उतनी पर्चियां निकाली जाएंगी जितने आवास बन चुके होंगे, तो उनको आवास दे दिए जाएंगे। और जिनका नाम नहीं आएगा, उनकी पर्ची नहीं निकलेगी, उनको 5,000 रुपए वापिस दे दिए जाएंगे। तो ये उसका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि अपनी लिस्ट के हमारा फॉर्म कहाँ तक पहुँचा, कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं। एक आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, एक आप अपने करीबी शहर के टूडा ऑफिस में जाके ये पता कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें एक ये बता रहा हूँ आपको मैं, आपने फॉर्म 2 तरीके से फिल किया होगा। एक सबसे पहले शुरुआत में जो भरे गए थे वो टूडा ऑफिस वाले भरे गए थे, जो कि 6.5 लाख रुपए वाले थे। और एक आपने डायरेक्ट PMAY MIS वाली वेबसाइट से भरवाए होंगे, या आपने जनसेवा केंद्र वाले से भरवाए होंगे। आप ये फॉर्म देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो ये वाला वो फॉर्म है। अब इसके लिए ये वाली वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो बाई नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ये डाल के आप सर्च कर सकते हैं। एक दूसरा जो है आपको अपनी ID डालकर, तो जैसे आप यहाँ पे दोस्तों अगर ID पे क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले जो आपने फॉर्म भरा होगा उसके ऊपर एक ID होगी, वो ID आपको इस जगह पे डालनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपका फॉर्म की जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप शहर वाले इस तरीके से अपनी लिस्ट जो है वो देख सकते हैं, अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।